गुड आफ्टरनून है सबको। न्यूक्लियस का जी लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। वैसे हमने मेजॉरिटी पार्ट तो खत्म कर दिया है, आज सिर्फ न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन बचा है, तो लेट्स चेक दैट आउट। आई थिंक हमने बोर्ड के लेक्चर्स में इसको काफी विस्तार में डिस्कस किया था। विल फर्स्ट चेक अप न्यूक्लियर फिशन। यू नो व्हेन अ लार्ज न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 170 इट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन एंड दिस प्रोसेस विल गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो ब्रेकिंग ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस इंटू टू पार्ट, ब्रेकिंग अप ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस इंटू टू पार्ट इज फिशन, एंड सबसे बेस्ट फिशन यूरेनियम का देखा गया। उसको हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, तो वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अंदर घुसता है और फिशन करता है। सो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ना न्यूट्रॉन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टाइल्स। सो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मैंने 92 यूरेनियम 235 को मारा, सो दिस इज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। वो अंदर घुसा, बन गया 92 यूरेनियम 236, एंड जब ये ब्रेक होगा तो यू नो आउट ऑफ मेनी फिशन फ्रेगमेंट्स बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। हम एक ही रिएक्शन पे ध्यान देंगे, बेरियम मिलेगा प्लस क्रिप्टॉन, चार एक न्यूट्रॉन हमको मिल जाएंगे। सो बेरियम 56, क्रिप्टॉन 36। ओके, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, क्रिप्टॉन का 36, और चार न्यूट्रॉन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन में वी गेट अराउंड 200 MeV ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड करीबन करीबन ये तो चार न्यूट्रॉन इसमें रिलीज हो रहे हैं, किसी और में तीन होंगे, किसी और में यू नो ये तीन है, तीन है यहाँ पे, चार नहीं तीन, किसी और में दो होंगे। सो ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर गिवन आउट इन ईच फिशन। फिर यू नो हम चेन रिएक्शन खड़ा करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स मिले वो और यूरेनियम एटम्स पे बॉम्बार्ड करते हैं, एंड ये प्रोसेस आगे बढ़ता ही जाता है। हर प्रोसेस, हर फिशन में 200 MeV हमको मिलता जाएगा, एंड दिस इज हाउ द चेन रिएक्शन विल प्रोसीड। सो व्हेन दीज न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन अदर U235 एटम्स, मोर एनर्जी एंड न्यूट्रॉन्स आर गिवन आउट। दिस इज कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। इसको थोड़ा बॉर्डर मार देते हैं, दिस इज अ चेन रिएक्शन। अगर ये चेन रिएक्शन पे आपका कंट्रोल है तो इट इज अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इट हैपेंस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो भी एनर्जी मिल रही है उसको किस तरह बाहर निकालना, क्या करना उसके साथ। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू अलाउ द रिएक्शन टू गो ऑन एंड ऑन, इन शॉर्ट यू आर नॉट कंट्रोलिंग कितने न्यूट्रॉन्स किसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही कम समय में इतनी सारी एनर्जी डेवलप हो जाएगी जिसको आप डेटोनेट करोगे तो घमासान मच जाएगा। दिस इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, हैपेंस इन द एटम बॉम्ब। हमको एटम बॉम्ब में इंटरेस्ट नहीं है, हमको न्यूक्लियर रिएक्टर में खास इंटरेस्ट है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर इज दैट प्लेस, इज दैट डिवाइस विच हार्नेसेस द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन एंड यूटिलाइजेज इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हमको उसी चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आज दुनिया में एनर्जी सिनारियो बहुत ही डेंजरस है, विकट है, और उस सिचुएशन में न्यूक्लियर पावर को कैसे काम पे लाया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। बट बिफोर यू गो ऑन टू अ न्यूक्लियर रिएक्टर, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स हमको याद रखनी है, नेसेसिटीज फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। द फर्स्ट, अब ये जो हमको तीन न्यूट्रॉन या चार न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन जो मिले, दे आर ऑल फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, उनको हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा। सो वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड मॉडरेटर्स। मॉडरेटर्स क्या करते हैं, दे स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स विदाउट अब्सॉर्बिंग देम। माइंड वेल, दे डू नॉट अब्सॉर्ब देम विदाउट एब्सॉर्बिंग देम। यू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडरेटर्स आर नॉर्मल वॉटर, आपका H2O,
हैवी वाटर, डी टू ओ, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडरेटर्स। फिर कूलेंट्स। अब ये इतनी सारी एनर्जी जब चेंबर में से निकलती है तो वो चेंबर काफी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है उस चेंबर का, और अगर आपने वो टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं लिया तो चेंबर पूरा मेल्ट हो सकता है। सो टू लोअर डाउन द टेम्परेचर कूलेंट्स, दे लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द चेंबर, द कोर एक्चुअली जिसे हम कहते हैं। सो इसमें भी नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, सूटेबल गैसेस, ये सब यूज होता है। एंड फाइनली यू नो, तुम्हारा काम बना भी न्यूट्रॉन सकते हैं, बिगाड़ भी न्यूट्रॉन सकते हैं। अगर चेंबर में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन डेवलप हो गए तो यू नो वो अपनी मन मर्जी की करेंगे, आपकी सुनेंगे नहीं। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल कितने फिशन हो रहे हैं, कितने न्यूट्रॉन चेंबर में घूम रहे हैं। सो फॉर दैट वी नीड कंट्रोल रॉड्स। दीज आर न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटीरियल, न्यूट्रॉन अब्सॉर्बर्स। वो न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करके रिएक्शन के रेट को कंट्रोल में रखेंगे। बोरॉन, कैडमियम, दीज आर ऑल न्यूट्रॉन अब्सॉर्बिंग मटेरियल। सो दीज आर कंट्रोल रॉड्स। इसके लिए मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूजुअली डिफाइन करता हूं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा 1 के आसपास ही रहना चाहिए। के इज द नंबर ऑफ फिशन्स ड्यू टू द प्रेजेंट जनरेशन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ फिशन्स ड्यू टू प्रेजेंट जेन न्यूट्रॉन्स अपॉन, एनीबडी रिमेंबर्स, नंबर ऑफ फिशन्स ड्यू टू पास्ट जनरेशन न्यूट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। हमारा आइडियली मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए करीबन। सो 1 हो अगर तो रिएक्टर इज सेट टू बी क्रिटिकल। इफ के इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1, रिएक्टर इज क्रिटिकल। सही चल रहा है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल में है, दिक्कत नहीं होगी। बट इफ के इज ग्रेटर देन 1 देन रिएक्टर इज सुपर क्रिटिकल एंड कैन एक्सप्लोड एंड मे एक्सप्लोड। एंड रिएक्टर में एक्सप्लोड, मे कौन एक्सप्लोड होगा, रिएक्टर में एक्सप्लोड। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस आर द नेसेसिटीज ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑलराइट, सो इस तरह हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं। एंड हमने उसका डायग्राम भी देखा था न्यूक्लियर रिएक्टर का। यू नो चेम्बर है, उसमें यूरेनियम द फ्यूल जलाया जाता है, और कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं उसमें, एंड कूलेंट्स के जरिए ये सारी एनर्जी हम स्टीम बना देते हैं उसका। एंड द स्टीम इज गिवन टू द टर्बाइन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज योर रिफ्लेक्टर, ये पूरा चेंबर इवैक्यूएटेड है, एंड ये है वो कोर जिसमें जलाया जाता है यूरेनियम। ये तुम्हारे कंट्रोल रॉड्स टू बी इंसर्टेड वेन एवर यू थिंक दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग हाई। तुमसे कंट्रोल ना हो पाएगा तब तुम रिया रॉड डालो और उसमें से न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लो। एंड यहां से कूलेंट्स के जरिए ये एनर्जी दी जाती है स्टीम जनरेटर को। सो स्टीम ड्राइविंग द टर्बाइन्स, एंड ये पूरा तुम्हारा स्टीम जनरेटर है। एंड जब वो स्टीम का प्रेशर निकल जाए तो वो पानी बन के वापिस वाटर फ्रॉम कंडेंसर आ जाता है वापिस, एंड अगेन वी सेंड इट टू द चेंबर सो दैट फिर से वो स्टीम बने और फिर से ये पूरा चक्कर चलता जाए। इस तरह एनर्जी का उत्पादन बहुत अच्छी तरह चलता जाएगा। सो दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन वेरी लवली प्रोसेस, बट सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन, फिशन नहीं,
बात फ्यूजन की है, नाम फिशन का ऐसा नहीं चलेगा। टू स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइनिंग एट हाई टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो न्यूक्लियाई को नॉर्मल टेम्परेचर पे ही कंबाइन करोगे तो वो कंबाइन नहीं होंगे, क्योंकि सपोज दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई, दो हाइड्रोजन आइटम है पॉजिटिव है, वो नजदीक नहीं आ पाएंगे बिकॉज कोलंबियन रिपल्सिव फोर्स होता है। तो कोलंबियन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस ओनली एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म लार्जर न्यूक्लियस, फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ नेचुरली इट हैपन्स इन द सन, नेचुरली हैपन्स इन द सन एंड आर्टिफिशियली इन द हाइड्रोजन बॉम्ब। हम हाइड्रोजन बॉम्ब में भी वही फंडा यूज करते हैं जो सन में यूज होता है। सो हाइड्रोजन बॉम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूजन बॉम्ब। वैसे फ्यूजन रिएक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप इस चीज की, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। वो प्लाज्मा स्टेट में होता है यूजली। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पीपी साइकिल विच हैपन्स इन द सन, वी हैव बीन थ्रू दैट, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द रिएक्शंस। सो 1H1 प्लस 1H1, एनीबॉडी रिमेम्बर्स आगे क्या होगा, गिव्स 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 MeV, देन पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स गामा प्लस 1.02 MeV, फिर 1H2 प्लस 1H1 गिव्स 2HE3, ये हीलियम आइसोटोप, प्लस गामा प्लस 5.49 MeV। और जब ये तीनों रिएक्शन दो बार अकर हो गए तो वी गेट 2HE3 ट्वाइस, सो 2HE3 प्लस 2HE3 गिव्स 2HE4 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 12.86 MeV। तो अगर ये ऊपर के तीन रिएक्शन दो बार हो तो फिर ये चौथा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। सो इन अ टोटल टोटल व्हेन फोर 1H1 कंबाइन टू फॉर्म हीलियम, देन 26.7 MeV एनर्जी इज रिलीज्ड। ऑलराइट, सो सन में जो चार हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके 2HE4 बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, तो एक रिएक्शन में 26.7 MeV एनर्जी रिलीज होती है। एंड ऐसे एक सेकेंड में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, विच इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस एनर्जी दैट द सन गिव्स अस। ऑलराइट, सो दिस इज वेयर द चैप्टर एंड्स, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ओके, वी आर लुकिंग एट एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम जेई मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डीबी सिंह अरिहंत की। सो लेट्स फाइंड आउट वो एग्जाम्पल नंबर 5 सेज। एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है, इन अ फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन दिया हुआ है, 1H2 प्लस 1H2 गिव्स 2HE3 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है क्या, ब्ला 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 ब्ला, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये ड्यूटीरियम है, मास ऑफ ड्यूटीरियम 2.015 U, मास ऑफ हीलियम 3.017 U एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.009 U। हमको प्रिसाइजली मालूम है इट्स 1.00866, बट यहां पे उन्होंने 1.009 U दिया हुआ। 1 kg ऑफ ड्यूटीरियम undergoes fission, complete fusion, sorry, find the total amount of energy released. Do you understand this? Okay, so now सबसे बड़ी बात, ये दो ड्यूटीरियम मिलाकर हीलियम बनाते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं। Anybody can tell me कि इस रिएक्शन की एनर्जी कैसे फाइंड की जाए? The energy of the above reaction. एनीबॉडी? पर इधर बाइंडिंग एनर्जी तो दिया नहीं है महाराज, क्या करें, मास है तो मास का क्या करेंगे बताओ जरा। इजंट इट, डेल्टा
हाँ, पर किसका मास माइनस करूं, किससे? वेरी गुड, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, इनटू सी स्क्वायर, वेरी वेल। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कौन है? 1H2, 1H2 दो बार है, तो ट्वाइस मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू सी स्क्वायर। अपने को अगर आप ऑप्शन देखो तो आंसर जूल में ही पूछा है, तो जूल में है तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल अपने ये फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है करके। ट्वाइस हाउ मच इज ड्यूटीरियम? 2.015 माइनस, बोर्ड में थोड़ा बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं 5-6, पर यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतते हैं वो लोग। एनी बडी फाइंडिंग दिस आउट फॉर मी? नहीं सर, आप ही कर लो ना, क्या आप ही कमाल करते हो। 4.030 माइनस, अब ये 3.017 और 1.09 का एडिशन करूं तो 9 और 7 16, और एक गया तो 1 और 1 2, एक 0 और 3 और 1 4। भाई मस्त लग रहा है कि नहीं, है ना? अबे हाँ, तो बोल दो कम बखत, आप भी है ना। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो यू में मिला है उस यू को हम 1.66 × 10⁻²⁷ केजी करके आंसर पूरा उसी में लाएं, वो ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि जूल में ही है सब कुछ। ईवी में होता तो हम यहाँ पे 931.5 MeV मल्टीप्लाई कर देते, बट डजंट डजंट रियली वर्क आउट दैट वे। तो 1, 2, 3, 4 × 10⁻³ इंटू यू कितना? 1.66 × 10⁻²⁷ इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। एनीबडी डूइंग दिस फॉर मी? 4 × 9 is 36 × 1.66 × -3 − 27 − 30 − 30 + 16 −14 जूल। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं फिलहाल, एक और मल्टीप्लीकेशन का स्टेप है, फाइनल में करूंगा मैं। आपने एक बात देखी, दो 1H2 कंबाइन होते हैं ना तो इतनी एनर्जी मिलती है हमको, दो 1H2 कंबाइन होते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है। अब 1 किलो ड्यूटीरियम में कितने होंगे? सबसे पहले भाई ड्यूटीरियम का मास कितना, मास नंबर कितना है? 2। सो इन 2 ग्राम 1H2 देर आर 6.02, 0.02 का धक्का मार रहा हूं मैं, 10⁻²³ एटम्स। सो अब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम 1H2 में कितने होंगे? एनीबडी गिविंग मी द नंबर? 6 × 10⁻²³ × 10⁻³, दैट्स 10⁻²² डिवाइड बाय 2। हाँ, मस्त नंबर, 3 × 10⁻²² एटम्स। सर अब क्या स्टेप होगा? अब एकदम मस्त स्टेप होगा, दो 1H2 कंबाइन होते हैं, इफ 2 1H2 कंबाइन तो इतनी एनर्जी मिलती है, कितनी? 36 इंटू 1.66 × 10⁻¹⁴ जूल। तो इतने कंबाइन होंगे, 3 × 10⁻²⁶ कंबाइन, तो कितनी एनर्जी मिलेगी? लेट्स कॉल इट ई, तो मैं इसको क्यू का नाम नहीं ई का नाम देता हूं। आपको स्टेप पता चला, दिस वॉज अ थ्री स्टेप प्रोसीजर। पहले ये रिएक्शन में मुझे कितनी एनर्जी मिली वो पता चला, अब 1 किलो ड्यूटीरियम में कितने एटम्स है यहां से वो पता चला, ये 1H2 1H2 दो कंबाइन होते हैं तब मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, तो इतने 3 × 10⁻²⁶ कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी? आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं है, तो चलो जल्दी जल्दी। सो ई इज 3 × 10⁻²⁶ इंटू 36 इंटू 1.66 10⁻¹⁴ अपॉन 2। कौन कौन कटेगा महाराज? ये कटेगा 18 3 54 इंटू 1.66, 26 − 14 कितना होता है जी? 12। एंड 54 इंटू 1.66 करीबन 80 के आसपास हो सके है, 80 के आसपास,
या 80 85, आई थिंक 1.66 को मल्टीप्लाई कर लेते 54 के साथ, 1.66 एंड 54, 6 4 जा 24, 6 4 24, 25 26, 4 5 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 33 और ये 8, मुझे लगता है करीबन 9 के आसपास होना चाहिए। 9 9 इंटू 10 रे, ये 90 इंटू 10 रेज टू 12, तो 9 इंटू 10 रेज टू 13 जूल, चेक दैट प्लीज, इज दैट एन अग्रीएबल आंसर, इज इट? वेरी वेल, मैं राउंड वन का 62 करने जा रहा हूं, राउंड वन का 62, चलेंगे आप लोग मेरे साथ राउंड वन का 62? मस्त सम। अच्छा, एक नए फॉर्मूला के ऊपर आधार रख रहा है, मैं वो फॉर्मूला भी दूंगा आपको, बिकॉज ये इस सम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक नया फॉर्मूला भी रिएक्टर के साथ रिलेटेड एक नया फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। ओके, व्हाट डज इट से राउंड वन का 62? इट सेज एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस इज 200 MeV, सो एनर्जी पर फिशन, हर एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 MeV। द फिशन रेट ऑफ अ 235-92 फील्ड रिएक्टर ऑपरेटिंग एट पावर लेवल ऑफ 5 वॉट, पावर 5 वॉट, उन्होंने फिशन रेट मांगा है। सर ये क्या होता है जी फिशन रेट? फिशन रेट इज फिशन्स हैपनिंग पर सेकेंड, फिशन्स अकरिंग पर सेकेंड। तो सर इनका इन दोनों के साथ क्या लेना देना, ध्यान से देखो फॉर्मूला दे रहा हूं। फिशन रेट इज द पावर अपॉन द एनर्जी बीइंग गिवन आउट पर फिशन। आपने देखा, अगर आप डायमेंशनली भी देखो तो पावर इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी एनर्जी कट गई, टाइम बचा पर टाइम, तो पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स आप यूनिट देख सकते हो, फिशन रेट विल बी इन सेकेंड इनवर्स, मतलब फिशन पर सेकेंड। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड आई थिंक वी शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। देयरफॉर पावर कितना है जी 5 वॉट एंड व्हाट इज द एनर्जी पर फिशन? 200 MeV। भाई यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस नॉर्मल स्टफ बिकॉज MeV इज नॉट अ नॉर्मल यूनिट। तो 200 मेगा इज 10 रेज टू 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19, तो 6 और 2 8 और 8 -19 इज -11, -11 ऊपर चढ़ा तो +11 एंड 2 into 1.6 इज 3.2, सो माई आंसर शुड बी समवेयर अराउंड 1.5 1.6 के आसपास। 1.6 इंटू 10 रेज टू 11 है आंसर, देखिए जरा करीबन फिशन रेट इज करीबन 1.6 इंटू 10 रेज टू 11। वो लवली सर, लवली लवली लवली। ओके, एक और सम देख रहा हूं, ये भी मस्त है, राउंड टू का 20, राउंड टू का 20, मुझे लगता है ये इतने में हो जाएगा शायद, इसलिए मैं उठा रहा हूं इसको, राउंड टू का 20। व्हाट डज इट से? अ न्यूक्लियस एक्स जेड ए, ओके ये है न्यूक्लियस एक्स जेड ए, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, द रिजल्टेंट न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल। एक काम करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल दे रहा है मतलब 2,4-HE, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस आया, एनीबडी कैन टेल मी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z-2, मास नंबर A-4। अब ये जो न्यूक्लियस है, उन्होंने कहा है इट एमिट्स, कहा गया इट एमिट्स अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा या पॉजिटिव बीटा? पॉजिटिव, पॉजिटिव बीटा। भाई मुझे पॉजिटिव बीटा दिखाई दे रहा है, आपको पॉजिटिव बीटा ही दिखाई दे रहा है ना अंदर, बरोबर? तो उन्होंने मुझसे पूछा है द रिस्पेक्टिव एटॉमिक एंड मास नंबर्स ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस आर। भाई पॉजिटिव बीटा मतलब +1 E0 प्लस न्यूट्रिनो, तो ये जो फाइनल न्यूक्लियस बना जेड, इसका ये जेड लिखते हैं या क्या लिखते हैं अपने, कुछ और ही लिखते हैं क्योंकि जेड तो यहां पर आया, सी लिखते हैं, आर आर आर, रिजल्टेंट न्यूक्लियस को आर बोलते हैं, आर। अच्छा, जब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है, डोंट यू अग्री द एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 1?
है ना। तो इधर कितना है एटॉमिक नंबर जेड माइनस टू, तो जेड माइनस टू माइनस वन, एंड मास नंबर तो रिमेनिंग अनचेंज्ड। भाई जेड माइनस टू माइनस वन कितना होता है? सो फॉर रिजल्टेंट न्यूक्लियस, माय गॉड, इट इज आर जेड माइनस थ्री एंड ए माइनस फोर। इज समवन चेकिंग द आंसर? एटॉमिक नंबर जेड माइनस थ्री एंड मास नंबर ए माइनस फोर, इज दैट द करेक्ट ऑप्शन? आई थिंक ऑप्शन ए, इजंट इट? ओके, अब मैं जा रहा हूं राउंड टू का 21, राउंड टू का 21, राउंड टू का 21। 21 करने को सदैव हम रेडी रहते हैं, अपना फेवरेट नंबर रहता है 21। आर यू लुकिंग? ओके, राउंड टू का 21 क्या कहता है? दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है X1 और X2, ओके, दे हैव डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा। इसका डीके कांस्टेंट है 10 लैम्डा एंड इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा। ओके, इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर, लेट्स से इसमें भी एनओ है, इसमें भी एनओ है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ X1 टू दैट ऑफ X2 विल बी 1/E। नाउ गिवन N1/N2, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ टू विल बी 1/E आफ्टर अ टाइम, कितने टाइम बाद? ओकी डोकी, चलो भाई कोई करेगा क्या है, करूं मैं? ठीक है, नाउ फॉर X1 आई थिंक एवरीबडी नोज N इज N0 e रेज टू माइनस लैम्बडा टी, तो N1 इज N0 e रेज टू माइनस लैम्बडा 1t। अब लैम्बडा 1 कितना है? 10 लैम्बडा, और दोनों का इनिशियली न्यूक्लियर सेम ही है, तो एनओ ई रेस टू माइनस 10 लैम्बडा टी, ये रहा N1। सिमिलरली फॉर N2, मतलब X2, N2 इज N0, थैंकफुली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिया N0, एंड व्हाट इज लैम्बडा 2? लैम्बडा, सो N2 इज N0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। आई थिंक लेट्स डिवाइड 1 एंड 2, क्योंकि वही चाहिए, तो डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो N1/N2, एनओ एनओ कट गया, ई रेस टू माइनस 10 लैम्बडा टी ओवर ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब हमको N1/N2 दिया हुआ है, 1/E इज ई रेस टू माइनस 10 लैम्बडा टी माइनस माइनस लैम्बडा टी, कितना होगा महाराज? माइनस 10 लैम्बडा टी प्लस लैम्बडा टी, वाह, एंड 1/E, कैन आई राइट इट एज ई रेस टू माइनस 1? कैन यू सी दोनों का बेस ई है, सो लेट्स सिंपली कंपेयर पावर्स, कंपेयरिंग पावर्स, यहां चुपके से आंसर मिल जाएगा। -1 इज -9 लैम्बडा टी, माइनस माइनस कट गया, सो 1 इज 9 लैम्बडा टी, या मेरा आंसर फाइनल आ रहा है टी इज 1/9 लैम्बडा। इज समवन चेकिंग दैट आउट? इज दैट अ वैलिड आइडिया, वैलिड आंसर? यस सर इट इज, यस सर इट इज अ वैलिड आंसर। उसी तरह मैं राउंड टू का 77 करने जा रहा हूं, राउंड टू का 77। अब ये राउंड टू का जो 77 है ना, वो दो चैप्टर्स के साथ ताल्लुक रखता है, न्यूक्लियस के साथ तो रखता ही है, पर इट ऑल्सो हैज कंसर्न्ड इटसेल्फ विथ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। कुछ डी ब्रॉय वेवलेंथ की बात चली है, सो वी विल हैव टू चेक दैट आउट ऑल्सो। डी ब्रॉय, व्हाट टाइम बट डी ब्रॉय आया? आई होप यू रिमेंबर डी ब्रॉय के इक्वेशंस एंड ऑल। ओके, राउंड टू का 77। ओके, क्या कहता है? After absorbing a slowly moving neutron of mass Mn, a nucleus of mass m, तो ये जो mass m का nucleus है, वो एक slowly moving neutron को absorb करके क्या बन गया? Two nuclei, masses m1 और 5m1, okay? ये दो
और ये इन दोनों के मासेस बरोबर सेट हो रहे हैं, उन्होंने लिखा है 6m1, 5m1 प्लस m1, 6m1 इज इक्वल टू m प्लस mn, ओके रिस्पेक्टिवली। इफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द न्यूक्लियस विथ मास m1, मतलब लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है लैम्डा, देन व्हाट विल बी द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द अदर न्यूक्लियस, लैम्डा 2 फाइंड करना। पीपल डी ब्रॉय एंड ऑल है, ओके। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इस इक्वेशन को एक अच्छी तरह लिखता हूं, लेट्स रिप्रेजेंट अबव इक्वेशन एज, ये ना एक सिंपल तरीके से एक्स प्लस न्यूट्रॉन, ये पेरेंट न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन मारा, गिविंग अस ए प्लस बी, ओके। फिलहाल मैं इस तरह का इक्वेशन रख रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड कि मासेस बराबर कंपेयर हो गए। नाउ नाउ सबसे पहली बात, ये इनिशियल न्यूक्लियस है, इट वॉज एट रेस्ट एंड इस पे ये तुमने न्यूट्रॉन मारा और ये दो न्यूट्रॉन्स, ये दो न्यूक्लियाई हमको मिले, दिस इज वन दिस इज टू। इस पूरे खेल में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, सो एज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब इनिशियल बॉम्ब इज फाइनल बॉम्ब, हाँ मतलब मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट्स हैज टू बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये भी रेस्ट पे था, इसकी भी कोई स्पीड का कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम रिएक्टेंट का कितना हो गया जीरो, सब रेस्ट पे है एंड प्रोडक्ट्स में क्या है वन और टू, तो इट विल बी पी वन बार प्लस पी टू बार। आपने ये बात पे गौर किया, मास ऑफ मोमेंटम ऑफ रिएक्टेंट जीरो है, इनिशियल मोम जीरो था और प्रोडक्ट्स निकले, दोनों निकले होंगे, दोनों का मोमेंटम ये रहा, एक का पी वन बार एक का पी टू बार, सो इजंट इट बट ऑब्वियस दैट पी वन बार इज माइनस पी टू बार, बिकॉज पी वन बार प्लस पी टू बार इज जीरो, सो पी वन बार इज माइनस पी टू बार, दैट इज भाई मैग्नीट्यूड्स का क्या होगा, ये माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है, वन यो जाएगा तो टू यो जाएगा, पर मैग्नीट्यूड का क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ पी वन बार इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ पी टू बार। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यू नो पढ़ा हो रखा है यहां पर, डू यू रिमेंबर द इक्वेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ, एनीबडी, लैम्बडा इज एच बाई पी, सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, सो लैम्बडा वन इज एच बाई पी वन एंड लैम्बडा टू इज एच बाई पी टू। अब भाई साहब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो लैम्बडा टू बाय लैम्बडा वन इज पी वन बाय पी टू, एच एच तो कट गया भाई, पी वन पी टू दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट इज वन विच गिव्स मी लैम्बडा टू इज लैम्बडा वन, भाई लैम्बडा वन कितना है लैम्बडा, सो लैम्बडा टू इज ऑल्सो लैम्बडा, दूसरे वाले का वेवलेंथ भी कितना होगा लैम्बडा, चेक द आंसर प्लीज। ओके गाइस वी आर लुकिंग एट राउंड टू का 37, क्या कहता है, न्यूक्लियस 84 पोलोनियम 210 ओरिजिनली एट रेस्ट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड वी, तो अल्फा पार्टिकल एमिट किया है जिसकी स्पीड है वी, व्हाट विल बी द रिकॉल स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है, स्पीड ऑफ डॉटर नहीं भाई, वही फंडा यूज करना है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था, सो लेट्स सी द रिएक्शन, 84 पोलोनियम 210 अल्फा डी के हो रहा है, मतलब 24 Hg प्लस क्या बनेगा यहां पे, 84 माइनस 282 आई डोंट नो मुझे क्या बनेगा, जो भी बनेगा, एंड 210 माइनस 4 इज 206, आ इक्वेशन सारू छे, सो एज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स सो टोटल मोम इज कंजर्व्ड, द मतलब मोम ऑफ रिएक्टेंट्स
इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई लास्ट टाइम जैसा किया था, ये रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम कितना उसका, जीरो, एंड दिस इज पी एक्स बार प्लस पी अल्फा बार। वहां पे अपन ने मोमेंटम इसी तरह कंपेयर किया था, सो पी एक्स बार इज माइनस पी अल्फा बार, बट ये तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्स इज पी अल्फा, एंड मोमेंटम इज एम वी, तो एम एक्स इंटू वी एक्स इज एम अल्फा इंटू वी अल्फा। सर अब मास कहां से लाए भाई, मास के लिए ये तो रहा, एक्स वाले का मास कितना है 206, अल्फा का मास कितना है 4, तो 206 इंटू वी एक्स इज अल्फा का मास कितना 4 टाइम्स, एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा कितना है वी। ओके आई थिंक मेरा आंसर आ चुका है, वी एक्स इज 4v बाय 206। क्या उन्होंने 2 से डिवाइड करने को मांगा है अपने से? नहीं, नहीं मांगा। आंसर मेरा आ चुका है 4v बाय 206। कैन यू चेक दैट? मैं करने जा रहा हूं राउंड वन का 89, राउंड वन का 89। आई थिंक इसमें नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स की कुछ बात चली है, सो लेट्स चेक इट आउट। नाउ व्हाट डज इट से? इट सेज राउंड वन का 89, इन यूरेनियम रेडियो एक्टिव सीरीज द इनिशियल न्यूक्लियस इज 92, इनिशियल 92 यूरेनियम 238, एंड द फाइनल न्यूक्लियस फाइनल इज 82 लेड 206। व्हेन यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज टू लेड द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इज, भाई बहुत ही बढ़िया, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स फाइंड करना है। भाई एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, पर जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है तो मास नंबर डज नॉट चेंज। इसका मतलब है मास नंबर चेंज करने का पावर सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स में है, तो मास नंबर का चेंज फाइंड करके आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट, फर्स्ट चेंज इन मास नंबर इज, विल कॉल इट डेल्टा ए, दैट विल बी ए वन माइनस ए टू। हाउ मच इज ए वन? 238, एंड हाउ मच इज मास नंबर ऑफ टू? दैट इज 206। कितना हुआ? 32। अच्छा अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर चेंजेस बाय 4, व्हेन वन अल्फा पार्टिकल इज गिवन आउट रिलीज्ड डेल्टा ए इज 4, चेंज इन मास नंबर इज 4, सो हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड? तो चेंज इन मास नंबर इज 32, बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, एंड आई थिंक कोई भी कर सकता है, सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज 32 बाय 4, इज इन दैट 8 अल्फा पार्टिकल्स? ओके सो मास नंबर के चेंज से मुझे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल गए, 8 अल्फा पार्टिकल्स। अच्छा 8 अल्फा पार्टिकल निकल तो रहे हैं, इन 8 अल्फा पार्टिकल्स की वजह से मास नंबर में चेंज आया 32 का, इन्हीं 8 अल्फा पार्टिकल्स की वजह से एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आना चाहिए? हर एक का 2 होता है ना, सो चेंज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू अल्फा पार्टिकल्स इज 8 इंटू 2, दैट इज 16। सो 8 अल्फा की वजह से कितना एटॉमिक नंबर चेंज होना चाहिए? 16। नाउ लेट सी द एक्चुअल चेंज, बट एक्चुअल चेंज कितना है? जेड वन माइनस जेड टू, दैट्स 92 माइनस 82, इज इन दैट 10? ओ माई गॉड, अल्फा पार्टिकल्स की वजह से एटॉमिक नंबर कितना चेंज हो जाना चाहिए था? 16, पर हमने कंपेरिजन
करके देखा, 92 माइनस 82 कितना नंबर चेंज हो रहा है, 10। इसका मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 6। आपको पता है हर एक बीटा पार्टिकल एक का एटॉमिक नंबर चेंज करता है। सो चेंज, एक्चुअल चेंज, सो डिफरेंस 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो ये 6 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे जो ये एटॉमिक नंबर को इतना चेंज कर रहे हैं। सो इफ यू कैन काइंडली चेक द आंसर, आई हैव गॉट 8 अल्फा पार्टिकल्स एंड 6 बीटा पार्टिकल्स, इज दैट ट्रू, इज इट अग्रीएबल? सही है, सही है। एंड नाउ लेट्स डू द लास्ट नंबर। ये एक अच्छा नंबर है, थोड़ा सा अलग नंबर है, थोड़ा सा विचित्र भी है। ये है SP, यू माइट एज वेल सी SP24। ये मैंने खास इसलिए लिया है क्योंकि इसका लिखने का स्टाइल भी अलग है, इसका कहने की बात भी अलग है, सब अलग है एकदम। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट द नंबर सेज। SP24, SP24 है पेज नंबर, बताता हूं मैं, 1208। ओके, ये ग्रंथ के 1208 पेज नंबर पे। अच्छा, SP24 ये कहते हैं द फॉलोइंग ड्यूटेरियम रिएक्शंस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस एनर्जी आर फाउंड टू अकर। सो 14N व्हेन इट रिएक्ट्स विद ड्यूटेरियम इट गिव्स अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स 15N। डिड यू सी हाउ आई रेड दैट? ये इस तरह लिखा है, 14N ब्रैकेट में डी कॉमा पी, ब्रैकेट के बाहर 15N। इसकी एनर्जी भी दी हुई है 8.53। सो ये रिएक्शन लिखा किस तरह जाता है पता है आपको? इस तरह 14N प्लस ड्यूटीरियम गिव्स 15N प्लस प्रोटॉन प्लस 8.53। मैं MeV नहीं लिख रहा हूं, वो मैं जानता ही हूं। डिड यू सी दैट? तो ये डी जो है ना वो प्रोजेक्टाइल है, पी जो है वो प्रोडक्ट पार्टिकल है। ये रिएक्टेंट न्यूक्लियस, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। डिड यू सी? इस तरह लिखा जाता है। तो दूसरे वाला ये नंबर 1, दूसरे वाला है 15N ब्रैकेट में डी कॉमा अल्फा एंड 13C, और एनर्जी कितनी है 7.58। सो हाउ डू वी राइट दिस इक्वेशन? 15N प्लस ड्यूटीरियम गिव्स 13C प्लस अल्फा प्लस 7.58। देर इज अ रीजन आई एम राइटिंग रिएक्शन लाइक दिस। एंड द थर्ड रिएक्शन 13C डी कॉमा अल्फा 11B एंड क्यू इज इक्वल टू 5.16 MeV। सो हाउ डू आई राइट इट? नंबर 3, 13C प्लस ड्यूटीरियम गिव्स 11B प्लस अल्फा प्लस 5.16। ओके, तो ये लिखने का एक अलग ही नया तरीका हमने देखा। आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट इट। ओके, सो ये एकदम नया तरीका है। अब करना क्या है सर? उन्होंने नीचे दिखाया हुआ है कि नोटेशन इस तरह ये कहता है। अच्छा, 4He का मास दिया हुआ है, मास ऑफ अल्फा दिया हुआ है, कितना है 4.0026 U। मास ऑफ ड्यूटीरियम दिया हुआ है 2.014 U। मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1H1 मतलब प्रोटॉन 1.0078 U, और कछु, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। खुदा खैर करे, सम तो साल अभी तक शुरू नहीं हुआ। ओके, अब क्या चाहिए उनको, ये बता रहे हैं अपने को। दे वॉन्ट अस टू फाइंड द एनर्जी फॉर 11 बोरॉन अल्फा न्यूट्रॉन एंड 14N का क्यू इज इक्वल टू हाउ मच? काफी लिखा पढ़ी वाला मामला हो गया। मतलब वो ये चाहते हैं कि इस रिएक्शन की एनर्जी कितनी है ये आपको पता चले, फाइंड आउट करो। मतलब पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, 11 बोरॉन प्लस अल्फा गिव्स 14 न्यूट्रॉन, 14 नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन प्लस क्यू। अपने को इस क्यू में इंटरेस्ट है, देखा आपने, मुझे ये रिएक्शन के इस क्यू में इंटरेस्ट है।
अब सबसे पहले सर क्या करें, आपने बचपन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किए, वैसे ही करना है। अब जैसे ये लेविन बोरॉन है, लेविन बोरॉन कहाँ आता है, कहीं पे, ये रहा, ये लेविन बोरॉन आता है। तो लेविन बोरॉन को आइसोलेट करो, सबसे पहले लेविन बोरॉन को आइसोलेट करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हम एक काम करेंगे, ये जो लेविन बोरॉन प्लस अल्फा है ना, उसमें से जो एनर्जी है ये 5.16 इस तरफ ले आएंगे। सो रीराइट इक्वेशन थ्री, रीराइट इक्वेशन थ्री एज, मैं यो कर दूंगा, सो 11b प्लस अल्फा, ये 5.16 को इधर, इज इक्वल टू 13c प्लस बी माइनस 5.16, जिसको नाम दूंगा मैं 4 का। तो आपने देखा 11 बोरॉन प्लस अल्फा का मेरे को इक्वेशन मिल गया। अब मेरे को 14 नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए। 14 नाइट्रोजन तो है यहां पे, पर न्यूट्रॉन नहीं है साला। तो 14 नाइट्रोजन को पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। रीराइट इक्वेशन वन एज, सर 14 नाइट्रोजन को कैसे आइसोलेट करोगे? सिंपल, मैं डी को माइनस कर दूंगा इस तरफ। सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का। 14 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, मैं ऐसा डैश नहीं मारू, आप चाहते हो डैश मारो तो ये लो डैश, ये लो डैश, एंजॉय करो बस। 15 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, क्या न्यूट्रॉन, प्लस प्रोटॉन, और ये डी यहां पे लाके माइनस किया, माइनस डी, प्लस 8.53। ओके, तो यहां पे ये आपका सेट हो गया, 11b प्लस अल्फा ये सेट हो गया, यहाँ के साइड 14 न्यूट्रॉन सेट हो गया। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को प्लस एन दोनों साइड कर लेते तो एंजॉयमेंट हो जाएगी। एड एन बोथ साइड्स, तो 14 नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स 15 नाइट्रोजन प्लस पी माइनस डी प्लस न्यूट्रॉन प्लस 8.53। ओके, सो मेरे दो अनमोल रतन ये रहे, एक ये और एक ये। तो अब क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब मुझे इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं, सो कैन आई टेक देम ऑफ नाउ, कैन आई डू दैट? ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं ही इक्वेशंस, तो आई शेल टेंड टू यूज देम। मैं थोड़ा थोड़ा ये रब कर रहा हूं, इसको भी कर दूं, कर देते हैं यार। सो सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये हो जाएगा। सो 11b प्लस अल्फा माइनस 14 नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स, अब दिस शीट माइनस दिस शीट, अरे बेचारे को काट डाला, 13c कहाँ गया, बरोबर जा रहे हम, हाँ, प्लस डी माइनस 5.16, शांति से कर रहे, माइनस 15n प्लस पी माइनस डी प्लस न्यूट्रॉन प्लस 8.53। खोल दो ना जरा, 13c माइनस 15n, और ये जो इंटू क्ले पिंटू क्ले जो है सारे, इन सबको देखो जरा, प्लस डी माइनस पी माइनस माइनस प्लस डी माइनस एन माइनस 5.16 माइनस 8.53। डिड यू गेट इट? 13c माइनस 15n ये रहा, डी माइनस पी प्लस डी माइनस एन ये रहा, माइनस 5.16 माइनस 8.53। ओके, तो अब फाइनली क्या मिल रहा है, दिस विल रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ पेशेंस। हाय हाय हाय, क्या है, तो क्या क्या बनेगा। अब सबसे पहले, अरे 13c वाला एक रिएक्शन था यहां पे कहीं पे, थर्ड रिएक्शन याद है, 13c प्लस डी गिव्स 11b प्लस अल्फा प्लस 5.16, याद है वो? एक और 13c का था, हाँ 13c वाला है ना, 15 न्यूट्रॉन प्लस डी वाला, दिख रहा है आपको 13c सेकेंड रिएक्शन, सॉरी सेकेंड रिएक्शन। तो 13c इज 15 नाइट्रोजन प्लस डी माइनस अल्फा माइनस 7.58। ये अकेला वो 13c का था, एंड बाकी का सारा ऐसा रहता है, इससे माइनस 15 एन मैंने उड़ा दिया हुआ।
डी प्लस डी टू डी माइनस पी माइनस ना न्यूट्रॉन माइनस 5.16 और 8.53 कितना होता है 13.69। वाह 15 नाइट्रोजन माइनस 15 नाइट्रोजन ठाकुर तो गियो। क्या क्या बचा डी माइनस टू डी तो माइनस डी माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस पी प्लस एन एंड माइनस 13.69। आई थिंक सबके मासिस दिए हुए थे। आई थिंक यू शुड पुट इन ऑल द मासिस। ये डी माइनस हो रहा है क्या हो रहा है सब बरोबर तो है ना। टू डी था ना डी प्लस डी टू डी और यहां पे 13c प्लस डी ये माइनस अकेला 15n है यार। शिट माइनस अकेला 15n है बाकी सब प्लस में है तो डी प्लस टू डी इज 3d। चचा माइनस अल्फा ये रहा माइनस पी माइनस एन। तुम भी है ना कमाल करते हो। मुझे लगता है सबके मासेस डाल दो चलो फटाफट। ड्यूटीरियम का मास कितना है ड्यूटीरियम का मास कितना बोलता है। अच्छा दूसरा कुछ ऐड करने का नहीं -7.58 इसको ऐड करने का ये रहा एंड 3 टाइम्स 2.014 अल्फा। मुझे लगता है वहां ऊपर ले चलते हैं पूरे कारवां को इस तरफ ले आते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यूज करके चीजों को लाओ और काटो। ये 11b प्लस अल्फा माइनस 14 नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स ये नीचे आएगा 3d। तो 3 टाइम्स d कितना है 2.014 माइनस अल्फा। अल्फा कितना है 4.0026। आई होप समवन कैन डू दिस फॉर मी। प्रोटॉन का 1.0078 एंड न्यूट्रॉन का 1.087 एंड बाकी -13.69 -7.58 -21.27। अगर आप कर रहे हो तो कर लो फटाफट। थ्री एंड क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई कितना आंसर आ रहा है तेरा। सबसे पहले ये जो मास डिफेक्ट है उसका फाइंड कर कितना आ रहा है इसका 6.042 -4.026। ये तो आंसर ये तो एमईवी में एनर्जी इसको बाद में देखेंगे। इसका देख ले पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 8 और 7 15 ये मैं डेल्टा एम फाइंड कर लेता हूँ। 8 और 7 15 8 और 7 15 और 1 16 ये 1 ये 0 और ये 2 सो 2.0165। तो 6.042 -4.0026 तो 4 11 -2 9 ये 3 0 2.0394 -2.0165 तो ये 8 ये 14 ये 9 8 - 6 2 3 - 1 2 0 0.0229 चेक। तो ये तो यू में है तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी मल्टीप्लाई बाय 931.5 करें। सो एनर्जी 0.0229 इंटू 931.5 मुझे आंसर मिल रहा है करीबन 21.81 चेक। सो इन सब की एनर्जी मिला के हो रही है 11b प्लस अल्फा माइनस 14n प्लस न्यूट्रॉन गिव्स ये पूरे की 21.81 माइनस 21.27। आई थिंक द आंसर इज 0.05 MeV। चेक एब्सोल्यूटली अग्रीएबल। ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल था एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे करने में थोड़ा टाइम लगा बट क्योंकि किसको किसमें से माइनस करना है सबसे बड़ी बात यही होती है एंड एक बार पता चल जाए कि इसको इसमें से माइनस करना है तो
बहुत आसान हो जाता है ये सब. सो प्लीज डू दिस सम अगेन एट होम, प्रैक्टिस कीजिए इसको एंड थिंग्स विल वर्क आउट. तो यहाँ पे न्यूक्लियस खत्म होता है एंड अब सेमीकंडक्टर्स करेंगे नेक्स्ट टाइम. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.